सभी प्यारे बच्चों को राम राम। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो इस टॉपिक को बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कैलेंडर आएगा तो वो मैं आपका कवरअप करवा दूंगा। 3 या 4 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा उसको, तो सभी पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा और मैं बिल्कुल समराइज़ करके आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देना कि जिससे आपको बहुत लेंथी नहीं करना मुझे, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से पूरा कैलेंडर आसानी से पढ़ा दूंगा। बच्चों अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए कि भाई कैलेंडर कब बना, क्या हुआ, किसने बनाया था। तो ये सारी चीज़ों को मैं देख बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कैलेंडर 46 या 56 अथेंटिक डेट नहीं कन्फर्म है, बनाया था जूलियस सीजर ने। लेकिन जब उन्होंने कैलेंडर बनाया था, सीधी सी बात है जब भी कोई चीज़ पहली बार बनेगी तो परफेक्ट नहीं बनेगी, तो उनके कैलेंडर में बहुत सारी खामियां थी, गलतियां थी, जिसको सुधारा किसने था? पोप ग्रिगेरियन ने। इसीलिए जो आज हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर से। उन्होंने बोला कि इन अ वीक देयर आर 7 डे, एक सप्ताह में दिन कितने होंगे? 7, और हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो रिपीट होगा। यानी कि एक सप्ताह में दिन होंगे 7, जैसे कि मान के चलो कि अगर आज रविवार है तो आज के 7 दिन बाद जो 8वां दिन होगा वो भी क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। इसके बाद हमें महीनों के बारे में पता होना चाहिए। महीनों की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो महीने या तो 30 के होंगे या तो 31 के होंगे। 30 वाले होते हैं सिर्फ 4, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बाकी के जो महीने होते हैं वो कितने के होते हैं? 31 के। तो ये जो 7 महीने होंगे वो 31 के होंगे। अब बात करते हैं फरवरी कैसे पता करें। तो बच्चों फरवरी के लिए आप लोग क्या करना, कोई भी साल दिया जाए तो उसमें तुम 4 का भाग कर लेना। अगर आखिर के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, अगर आखिर के 2 अंक 4 से ना कटें तो वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। कैसे? जैसे कि 2022, तो 2022 में जब तुम 4 का भाग करोगे तो 22 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 22 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो यह साल आपके लिए होगा नॉर्मल ईयर या फिर सामान्य वर्ष या फिर साधारण वर्ष। तो इस साल की जो फरवरी होगी बच्चों वो कितने दिन की हो जाएगी? आपकी 28 दिन की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के लिए जैसे 2020, तो 2020 में तुम जब 4 का भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा, 2024 कट जाएगा, 2032 कट जाएगा, 36 कट जाएगा। यानी जो साल 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा और उसकी फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 4 का भाग क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए फरवरी को चेक करने के लिए किसका भाग करते हैं? 4 का भाग करते हैं। डन। अब अगर मैं ईयर के बारे में बात करूं तो ईयर 365 या 366 होगा, वो भी डिपेंड किसके ऊपर में करेगा? फरवरी के ऊपर में। जब फरवरी 29 दिन की होगी तो वो 366 का होगा, जब फरवरी 28 की होगी तो वो 365 का होगा। तो इतनी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अब बच्चों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर के अंदर में, वो मैं आपको सबसे पहले दिन निकालना बताऊंगा। दिन निकालें यानी कोई भी डेट आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें आपको कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, मंथ के कोड याद करने पड़ेंगे आपको, ईयर के कोड याद करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें डिटेल में पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक कोड याद होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने ऊपर मंथ लिख रखा है जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक चल रहा है, इनके कोड हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 3 महीनों के मैंने कोड लिखे हैं 144, जो कि बच्चों होता है 12 का स्क्वायर। बाकी के जो 3 महीने हैं जैसे कि अप्रैल, मई और जून, तो वो 0 के साथ 5 का स्क्वायर है। डन। इसके बाद में बाकी के जो 3 महीने हैं, ये आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर, वो 0 के साथ 6 का स्क्वायर है। बाकी के जो 3 महीने हैं जैसे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस 2, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 146 ही ऐसे बन जाएगा। और ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, अभी इतनी आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सब आपको अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो नीचे लीप ईयर लिखा हुआ है। लीप ईयर का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों याद रखना, जैसे ये कोई साल है जैसे 92, तो 92 में अगर मैं भाग करूंगा 4 का, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, तो क्या 92 कट जाएगा 4 से? डेफिनेटली कट जाएगा। तो 92 जो साल है वो एक लीप वर्ष है। तो कभी भी अगर लीप वर्ष बच्चों दे दिया जाए तो आप इस कोड का यूज करेंगे, यानी जनवरी और फरवरी का जो कोड होगा वो जस्ट चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 0 और 3। बाकी का जो महीनों का कोड रहेगा वो सेम रहेगा। डन। क्लियर। इसके अलावा कुछ और बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। अब बच्चों अगर मैं ईयर कोड की बात करूं, ईयर कोड की अगर मैं बात करूं तो बच्चों जैसे कि यहां पे लिखा है 1992, तो अगर मैं 2000 की बात करूं,
1900 की बात करूं, 1800 की बात करूं, या फिर मैं 1700 की बात करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखना कि 2000 की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें माइनस वन करूंगा, अगर मैं 1900 की बात करूंगा तो 1900 में प्लस का जीरो करूंगा, और अगर मैं 1800 की बात करूंगा तो प्लस का दो करूंगा, और 1700 की बात करूंगा तो प्लस का मैं चार करूंगा। इनका यूटिलाइजेशन यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 1900 का है, तो 1900 में हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कितना जोड़ना है प्लस, तो जीरो का तो कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, चाहे आप उसको प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने क्लास मेरी ले रखी होगी तो मैंने ऐसे क्वेश्चन एक और तरीके से बताए थे, वो थोड़ा सा लेंदी रहता है लेकिन उससे बिल्कुल अथेंटिक आंसर आता है, तो ये भी ट्रिक अच्छी है वो भी ट्रिक अच्छी है, तो आज हम लोग इस ट्रिक को ध्यान से देखते हैं। तो अगर बात करें बच्चों 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले बच्चों जो भी डेट दी जाए उसमें आप लोग 7 का भाग करेंगे। अब बच्चों याद रखना जो पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं, जब भी हम लोग किसी भी संख्या में 7 का भाग करेंगे, 7 × 7 रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 7 का भाग देने से हम क्या लिखते हैं, हमेशा शेषफल वाली संख्या लिखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं 11 में 7 का भाग करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा हमेशा मैं वो लिखूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं फरवरी की बच्चों। तो अब ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको कि जब भी कभी भी साल दिया जाए तो आप ये चेक कर लो कि साल आपका लीप है कि नॉर्मल है। तो 92 में जब आप 4 का भाग करोगे तो 92 कट जाएगा। मैथ का ये नियम है कि अगर आखिर के दो अंक 4 से कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 92 4 से डिविजिबल हो जाएगा, जब 92 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, जब लीप ईयर होगा तो फरवरी का कोट अब आपका 3 होगा ना कि 4। तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा बच्चों, 3 लिख दूंगा। बोलो उम्मीद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं 92 की। बच्चों ध्यान से देखना, इस दो अंकों में एक बार तो मैं 7 का भाग करूंगा, इन दो अंकों में एक बार तो मैं 7 का भाग करूंगा और एक बार किसका भाग करूंगा, 4 का भाग करूंगा। डन। चलिए तो 92 में अगर मैं, आप लोग ये डायरेक्ट कर सकते हो, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, 7 × 7 रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, और 7 × 3 = 21 और रिमाइंडर कितना बचा 1। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं 1। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों बात करते हैं इसकी, यानी कि अब मैं 92 में किसका भाग करूंगा, 4 का भाग करूंगा। जब 92 में 4 का भाग करूंगा तो 4 × 2 = 8 और रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 और 4 × 3 = 12। 23 × 92 होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। अब ये जो सेकंड कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ 4 चीजों का होगा, 1, 2, 3 और 4, इनको जोड़िए, 23 और 1 = 24, 24 और 3 = 27, 27 × 3 = 31। बच्चों 31 को फिर से मैं 7 का भाग करूंगा, 7 का भाग देने का मेन मकसद होता है कैलकुलेशन को छोटा करना, बस आप इतना समझो। तो जब मैं 31 में 7 का भाग करूंगा, बच्चों ध्यान से देखो, 31 में 7 का भाग करूंगा तो 7 × 4 = 28 और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 29, 30 और 31, 3 बचेगा रिमाइंडर। और प्यारे बच्चों 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मंगलवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो कोड था वो 1900 वाला था, कितने वाला था, 1900 वाला कोड था। तो आपको मैंने बताया था कि 1900 वाले कोड में मुझे प्लस का जीरो करना था, तो प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं था, यानी 1900 में आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है बच्चों। चल ये तो कैलकुलेशन मैंने करा, जब आप लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है बच्चों, 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर 7 का भाग करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर किसका भाग करूंगा, 7 का भाग करूंगा। 17 में जब मैं 7 का बच्चों भाग करूंगा तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी यहां पर मैं कितना लिख दूं, 3 लिख लो। डन। अब बात करता हूं जनवरी को, अब मैं ये चेक करता हूं कि 80 कैसा साल है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी साल दिया जाए उसमें किसका भाग करोगे आप, 4 का भाग करोगे, अगर आखिर के दो अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो डेफिनेटली 80 4 से डिविजिबल है, तो यह जो साल है वो एक लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो जनवरी, और जनवरी का जो बच्चों कोड होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं दो स्टेप और की, यानी 80 में बच्चों एक बार मैं 7 का भाग करूंगा
और एक बार में किसका भाग करूंगा, चार का भाग करूंगा। चलिए करके देखते हैं। तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सात एकम सात, रिमाइंडर कितना बचा 10, और सात एकम सात, रिमाइंडर कितना बचा 3। यानी जब आप 80 में सात का भाग करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। अब इसी प्रकार 80 में किसका भाग करोगे, 4 का, तो 20 चौको 80 होता है, डायरेक्टली आप कितना लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। डन, चलिए अब इनको जोड़ लीजिए। तो देखो भाई ये 1900 वाला साल है, तो 1900 में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो 20 और 3 23 और 3 26। अब 26 में 1900 में जीरो जोड़ना था, जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 26 का आप 26 लिख दो, 26 में भाग करो किसका, 7 का, 7 21, रिमाइंडर कितना बचा 5। तो भाई लोग जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बोलिए उम्मीद में आए, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए तो जल्दी से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठो और जैसे मैं कर रहा हूं मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करो। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों ये 1901 है, अभी हम लोग 1900 वाले पे ही बात कर रहे हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहां पर लिखा है कि 3 जून 1901 को कौन सा दिन हो। अब बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर ये तो 3 है, अब 7 का भाग कैसे जाएगा इसमें। अरे भाई सीधी सी बात है यार कि 7 का भाग देने का मेन मकसद होता है कैलकुलेशन को छोटा करना। 3 तो खुद ही 7 से छोटा, तो भाग देने की क्या जरूरत है, 3 का 3 लिख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं बच्चों जून की। तो अब देखो ना तो लीप की जरूरत है ना नॉर्मल ईयर की जरूरत है, क्योंकि बात हो रही है जून की, तो सीधी सी बात है हम जून की तरफ चलते हैं। तो अप्रैल मई और जून, तो जून का कोड बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पे कितना लिख दूं, 5 लिख दूं। अब एक और दिक्कत कि सर 1 में 7 का भाग कैसे जाएगा। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 7 का भाग तो देने का मेन मकसद होता है कैलकुलेशन को छोटा करना, ये तो 7 से छोटा ही है। तो यहां पे कितना लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। डन। अब एक और क्वेश्चन, सर ये 4 का भाग आप कैसे दोगे। अरे भाई ये मुझे बताओ क्या एक साल में कोई लीप वर्ष होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अरे बोलो भाई एक साल में कोई लीप वर्ष होंगे नहीं, तो मैं कितना लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। तो यहां पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब बच्चों इनको जोड़ो, 5 3 8 और 1 9। अच्छा ये 1900 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी 1900 में आपको 0 ही जोड़ना है, यानी कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में किसका भाग करोगे, 7 का, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, और 7 का भाग देने से हमेशा रिमाइंडर को ही देखते हैं, तो 2 आ गया यहां पे। और बच्चों 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार, यानी कि मंडे आपका राइट आंसर आ गया होगा। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे से पहले ही आंसर निकाल लिया होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं एक और क्वेश्चन को कि ये कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ये 1964 है बहुत ही, तो आप लोग भी मेरे साथ ही स्टार्ट हो जाइए और देखते हैं कि सबसे जल्दी आंसर कौन देगा बच्चों। तो भाई आंसर है, क्वेश्चन है हमारा कि 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन होगा। चलो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे बच्चों 13 में 7 का, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 6, तो हम लोग यहां पे कितना लिख दें, 6 लिख दें, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं अप्रैल की, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लीप हो या नॉर्मल हो, हमें कोई टेंशन नहीं। अप्रैल की बात करते हैं, तो मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0। ये सब अभी आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं 64, 64 में बच्चों एक बार 7 का भाग करेंगे और एक बार भाग करेंगे 4 का, 6 2 8 56, 7 9 63, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो 7 9 63, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब बात करते हैं 64 में 4 के भाग देने की, तो 16 चौको 64 होता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, और यहां पे 4 संग 24, तो आप ये डायरेक्ट करना सीख जाओ, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। डन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी जोड़ने की। तो बच्चों ध्यान से देखो, 16 1 17 3 20 और 3 23, 23 में भाग करूंगा 7 का, 7 21, रिमाइंडर कितना बचा 2। देखो 1900 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये अब आ गया 1787, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो अभी आप लोग। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना होगा कि भाई साहब 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप 12 में किसका भाग करेंगे, 7 का,
12 में जब 7 का भाग करोगे बच्चों, तो 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो क्या मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ? बिल्कुल। अक्टूबर का कोड कितना है बच्चों? तो अक्टूबर का जो कोड है याद रखना कितना होता है? 1 होता है। डन। अब बात करते हैं 1787 की। तो बच्चों 1787, पहले मैं एक काम करता हूं, 87 में एक बार में 7 का भाग करता हूं और एक बार में भाग करता हूं किसका? 4 का। तो 87 में अगर मैं 7 का भाग करूंगा, 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा 3। अब मैं एक बार भाग कर लेता हूं किसका? 4 का। तो 87 में 4 का भाग करूंगा तो 4 दूनी 8 और यहां पे कितना बच जाएगा? 7। तो 4 एक कम 4 कितना बच जाएगा? 3। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कितना? 21 आ जाएगा। डन। चलो इनको मैं जोड़ता हूं, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30। अब आपने बोला कि सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कोड के बारे में, आप ही ने बताया था सर कोड के बारे में कि कोड अगर 2000 हो तो आपको -1 करना है, अगर कोड 1900 हो तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? प्लस का 0 करना है, अगर कोड 1800 हो तो आपको क्या करना है? प्लस का 2 करना है, अगर कोड आपका कितना हो 1700 हो तो क्या करना है आपको? प्लस का 4 करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1600 कर दे, 1500 कर दे, 1300 कर दे, 1200 कर दे तो क्या करेंगे? बताता हूं, थोड़ा सब्र रखो, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अभी ध्यान से देखो, यहां पर 1700 की बात हो रही है तो 1700 में मैं कितना जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा। याद कैसे करेंगे कोडों को? तो याद कर लो 1024। कैसे याद करोगे? 1024 माइनस का 1, प्लस का 0, प्लस का 2 और प्लस का 4। 1024 से याद कर लो, जिंदगी भर याद रहेगा। और कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें होती है ना तो अपने फ्रेंड से आप इसको जोड़ दिया करो, हमेशा याद रहेंगी आप लोगों को, ठीक है ना? तो 1024, तो प्यारे बच्चों 1700 में मैं प्लस का 4 जोड़ूंगा, तो 1700 में अगर मैं प्लस का 4 जोड़ूंगा तो 30 और 4 34। 34 में अब मैं छोटा करूंगा, सीधी सी बात है, 34 को मैं छोटा नहीं करूंगा तो कैसे कैलकुलेशन निकालूंगा? तो बच्चों 34 में 7 का भाग करूंगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 पना 35, तो 7 चौक 28 तो 29, 30 और 4 और 2 6, तो रिमाइंडर 6 बचेगा और 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे होता है। बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली थी, रुको अभी समझो, मैंने 30 और प्लस 4 यहीं पे किया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 30 में 7 का भाग दे देंगे फिर वो 4 को जोड़ेंगे। अरे नहीं, इसी ही कैलकुलेशन में आपको 4 जोड़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वरना आंसर क्या आएगा आपका? गलत आएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपका मेरे से पहले आना चाहिए, तभी लगेगा कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई है, ठीक है ना? चलो, तो 1956 एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग आंसर दे दोगे। अब तो ये मैं बता ही चुका हूं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग 1956 का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग 25 में 7 का भाग करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो 25 में 7 का भाग करेंगे तो 7 3 21, 7 3 21 और रिमाइंडर कितना बचा? 4। प्यारे बच्चों 56 कैसा साल है? लीप वर्ष है। 56 कैसा साल है? लीप वर्ष है। 4 का भाग जाएगा और 56 कट जाएगा, 14 चौक 56 कट जाएगा, तो जनवरी का जो प्यारे बच्चों कोड होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब 56 में एक बार मैं 7 का भाग करूंगा, छटवटी 56, रिमाइंडर 0 बचेगा बच्चों, छटवटी 56, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और एक बार मैं 56 में किसका भाग करूंगा? 4 का भाग करूंगा, जो कि कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा, 14 चौक 56 14 बार जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो 14 और 4 18। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 1900 है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 18 में 7 का भाग करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब प्यारे बच्चों 4 का मतलब क्या है? बुधवार है। डन। चल जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं बच्चों, रिवीजन करवा रहा हूं, इससे अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप, मेरी गारंटी आप लोग भूलोगे नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो दिन निकालने वाली ट्रिक आपको आसानी से समझ में आने वाली है। 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो 16 में सबसे पहले मैं भाग करूंगा 7 का, जब 16 में 7 का भाग करूंगा तो 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा।
अगस्त का जो कोड होता है बच्चों, जुलाई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त का जो कोड होगा वो 3 होगा। 41 में एक बार 7 का भाग करोगे तो 7 पना 35, देख लो ऐसे करोगे, 41 में 7 का भाग करोगे तो 7 पना 35 और 7 छक्के 42 तो 7 पना 35, 35 और 5 40 यानी कि नंबर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा आपका। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। फिर 41 में आप 4 का भाग करोगे जो कितनी बार जाएगा आपका, 10 बार जाएगा। तो जोड़ लीजिए आप लोग इसको, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 1900 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 7 का भाग करेंगे, 7 21 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चल अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जल्दी से देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए ये 2000 है तो 2015 देखते हैं हम लोग 2000 का कोड कैसे करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। तो 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले बच्चों जो भी डेट दी जाएगी उसमें किसका भाग करोगे आप लोग, 7 का भाग करोगे। 18 में 7 का भाग करोगे तो 7 दुनी 14 कितना बचेगा, 4। डन, सितंबर का कोड दे दो, जुलाई अगस्त और सितंबर, सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया, 6। इसके बाद में 2015 है तो 15 में एक बार तो आप 7 का भाग करोगे और एक बार किसका भाग करोगे, 4 का। तो 15 में 7 का भाग करोगे तो 7 दुनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार 15 में 4 का भाग करोगे तो 4 3 12, 4 3 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो 4 3 12 यानी यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये 2000 है, 2000 है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 2000 का जो कोड होगा उसमें माइनस का 1 करेंगे तो इसमें भी माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है ना। जब 14 में 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 13 में किसका भाग करोगे, 7 का, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। और 6 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले का आंसर आप लोगों का मेरे से पहले आना चाहिए, मेरे से पहले आना चाहिए। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, 1900। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मान लो एग्जामिनर आखिरी के डबल अंक मतलब जीरो ही कर दे तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपकी बहुत सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 3 जो कि 7 से छोटा है तो छोटा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे 3 लिख दूंगा। अब बात करते हैं सितंबर की, तो ये अगस्त है ये सितंबर है, तो सितंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। डन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं 1900 की बच्चों, तो ध्यान से देखना यहां पर तो कोई साल दिया ही नहीं गया है तो आपको 7 का भाग देने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप यहां पे लिख दोगे 00। अच्छा 00 में लीप ईयर कितने होंगे, 00 होंगे, तो यहां पे कितना लिख दूंगा, 00 लिख दूंगा। क्लियर, अब इन सबको जोड़ दो, 6 और 3 9। बात देखो 1900 की हो रही है, 1900 में प्लस का 0 करते हैं तो 9 में 0 जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग करोगे 9 में 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा, 2। और प्यारे बच्चों 2 का मतलब क्या होता है, मंडे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भाई साहब 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा। और मुझे अभी एक चीज का आंसर और करना है कि मान लो एग्जामिनर 1500 दे दे, 1200 दे दे, 1300 दे दे, तो उस टाइप के कोडों के लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले आप 24 में 7 का भाग करेंगे, ये तो मैंडेटरी है ही। तो 24 में जब 7 का भाग करोगे तो 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो आप लोग यहां पे कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अब बच्चों जून का कोड कितना है, तो अप्रैल मई और जून, तो जून का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 57 में एक बार 7 का भाग, तो 57 में एक बार 7 का भाग करोगे तो 56 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर 57 में आप किसका भाग करोगे, 4 का भाग करोगे। तो प्यारे बच्चों जब 57 में 4 का भाग करोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इनको जोड़ लीजिए आप लोग, जो सेकेंड स्टेप होगा वो हमेशा 4 पार्ट में ही होगा, 1 2 3 और 4।
तो 14, 5, 19, 1, 20 और 3, 23। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये 1800 है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि 2000 कभी भी दिया जाएगा तो उसमें कितना करोगे आप लोग? माइनस का 1, याद कर लो इसको। 1900 में कुछ नहीं करना, 1900 में कुछ नहीं करना। 1800 में कितना करोगे आप लोग? प्लस का 2 करोगे। और इसी प्रकार अगर मैं 1700 की बात करूंगा तो 1700 में क्या करोगे? प्लस का 4 करोगे। तो ये प्लस का 2 कर दोगे आप, तो प्लस का 2 करोगे तो 23 और 3 कितना हो जाएगा? 23 और 3 25 हो जाएगा। 25 में आप भाग करोगे 7 का तो कितना जाएगा? 4। तो 4 का बच्चों मतलब हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को आपको आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। ये है 2009। जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए और मेरे से पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों यहां पर है 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? चलिए ट्राई करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे 8 में 7 का। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। प्यारे बच्चों अक्टूबर का कोड क्या है? तो अक्टूबर का जो कोड है वो 1 है। तो यहां पर कितना लिख दूं? 1 लिख दूं। यहां पे कितना लिख दूं? 1 लिख दूं। अब बात करता हूं 9। तो 9 में एक बार 7 का भाग, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो यहां पे लिख देता हूं 2। 9 में 4 का भाग, 4 दूनी 8, तो यहां पे कितना लिख दूं? 2 लिख दूं। तो बच्चों इनको जोड़ लीजिए आप लोग। तो 2, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। अच्छा 6 में अब कितना घटा दो, क्योंकि 2000 की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 5। और प्यारे बच्चों 5 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी दिन निकालने की। आप कोई भी दिन निकाल सकते हो आसानी से, कोई भी दिन आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। तो 4 मई 1903 को कौन सा दिन होगा? तो आप लोग ये खुद निकालेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। हाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं, ध्यान से देखो सभी लोग, कि मान के चलो ये आपका होमवर्क है कि 4 मई 1903 को कौन सा दिन होगा। अभी मैंने आपको बोला कि मान एग्जामिनर आपको दे दे कि भाई साहब 1200 ईस्वी की दे दे, तो हम क्या करेंगे? तो अभी जब मैंने आपको बताया है कि भाई अगर मान लो वो 2000 की बात कर रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें करेंगे माइनस का 1 करेंगे। 1900 की बात कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? हम लोग प्लस का 0 करेंगे। 1800 की बात कर रहा है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? प्लस का 2 करेंगे। और अगर वो 1700 की बात कर रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे? प्लस का 4। बच्चों ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर वो हमसे बात करेगा किसकी? 1600 की, 1500 की, 1400 की और वो 1300 की। तो ये प्रोसीजर चलता ही रहेगा। हम इसमें भी माइनस 1 करेंगे, इसमें भी प्लस का 0 करेंगे, इसमें भी प्लस का 2 करेंगे और इसमें भी प्लस का 4 करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी ये प्रोसीजर चलता ही रहेगा। तो याद रखना कभी भी कोई भी लीप वर्स हो, कभी भी वो लीप सेंचुरी ईयर हो, तो हमेशा उसमें माइनस 1, उसके बाद वाले में हमेशा प्लस का 0, उसके बाद वाले में प्लस का 2, उसके बाद वाले में प्लस का 4, अगला जो आएगा वो फिर से एक लीप वर्ष ही होगा। तो ये प्रोसीजर आपका क्या करता जाएगा? चलता जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी भी इस चैनल को यानी ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आपकी क्लास लूंगा और हमारा जो सेशन रहेगा वो शाम का ही सेशन रहेगा 8 बजे से। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली ये वीडियो मिलेंगे। और कैलेंडर की जो मैं क्लासेस हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रखी है मैंने, तो 4 पार्ट में आपको मैं कैलेंडर आसानी से कवरअप करा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी कल।